नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा यानी BSTC की जो सेकेंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इसके बारे में मैंने बता भी दिया था आपको पहले भी, और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बताऊँगा, वो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो PREDDED जो सामने संस्कृत प्रवेश पूर्व परीक्षा 2018 उसका पाठ्यक्रम हेतु प्रथम काउंसलिंग तथा अपवर्ड मूवमेंट, ये तो बेस्ट काउंसलिंग के समय हो गया था, अब इसमें दोबारा द्वितीय काउंसलिंग करवाई गई है। तो ये आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे अच्छा मौका है। तो इसके लिए मैं आपको आवश्यक निर्देश दूंगा कि आप किस प्रकार फॉर्म भरे और क्या क्या इसमें सावधानी रखे, तो उस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो महाविद्यालय संस्थान चयन है तो ऑनलाइन विकल्प भरना है। जो काउंसलिंग है वो 2018 से 5/8/2018 है। इसका आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिए, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरे। लास्ट डेट के चक्कर में आप रह जाओगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जो ऐसे अभ्यर्थी है जो कि पूर्व में पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये जमा करवा चुके किंतु विकल्प नहीं भर सके, या पूर्व में विकल्प भर चुके किंतु उन्हें प्रथम चरण में महाविद्यालय संस्था आवंटित नहीं हो सके, ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग के समय रिक्त उपलब्ध सीटों के लिए विकल्प भरवाए जा रहे हैं। यानी कि जिस किसी स्टूडेंट को कॉलेज दूर मिला था और वो किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं करवा पाया, वो इसमें भाग ले सकता है। और जो पूर्व में कॉलेज भरे थे वो इसमें मान्य नहीं। इसके बारे में आगे भी आपको एक सूचना बताऊंगा। अब द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्थान में सूचना, जैसे कि समझ लो आपको कॉलेज मिल गया, तो उसके आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला उसकी सूचना आपको 7/8/2018 को दे दी जाएगी। और कहाँ मिला है, किस डिस्ट्रिक्ट मिला है और कौन सी कॉलेज मिली है वो आपको मिल जाएगी। तो प्रवेश हेतु शेष राशि जमा करवाना, यानी आपको इसमें जो शेष राशि जमा करवानी है वो 7/8/2018 से 10/8/2018 तक वो आपको शेष राशि है वो जमा करवानी है, और वो आपको ई मित्र के माध्यम से करवानी है। अब सवाल उठता है कितने जो रुपए है यानी कितनी फीस है वो जमा करवाना है। इसमें 14,555 रुपये आपको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा, और उसके बाद में उसकी जो रिसिप्ट है वो आपके पास संभाल कर रखिए, उसकी टू कॉपी करवा ले, वो कभी भी आपके काम आ सकती है। और इसमें जो है द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्था में रिपोर्टिंग, तो इसमें जो आपको रिपोर्टिंग करवानी है और जो कागज जमा करवाना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर कुछ ही घंटों में आपको डाल दूंगा। जो आपके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाना जरूरी है, नहीं तो आप उनसे इस एडमिशन से वंचित रह जाओगे। इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। और जो इसमें रिपोर्टिंग करवानी है वो 7/8/2018 से 11/8/2018 तक आपको इसमें रिपोर्टिंग करवाना होगी, और आप रिपोर्टिंग की लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिए, जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग को पूरा कर ले, वरना आप द्वितीय काउंसलिंग से वंचित रह जाओगे, कॉलेज एडमिशन से वंचित रह जाओगे। तो इसमें जो ये तो थे इसके जो नोटिफिकेशन आए वो निर्देश। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को भरें। आप जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे तो ही आपका एडमिशन का चांस रहेगा, और आखिर में जो आपको ओल्ड एडजस्टमेंट तो करना ही है, और इसमें आप गलती कर लोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को भरें, और आप कितने भरते वो आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम 60 से लगा के 70 तो आपको बनने वाला लास्ट में ओल्ड राजस्थान तो इसमें करना ही है। और जो दूसरी जो विशेष बात है वो है जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में 2000 रुपये जमा करवा दिए थे, ध्यान से सुनना, जिसने फर्स्ट काउंसलिंग में 2000 रुपये जमा करा दिए थे और वह अभ्यर्थी दोबारा से इस सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यानी कि जो जिसने पहले रुपये जमा करा दिए थे वो भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है, उनके लिए ये अच्छा मौका है। और फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज भरे थे अब वो कॉलेज मान्य नहीं होंगे, उनको कॉलेज अब दोबारा भरने पड़ेंगे, और सेकंड काउंसलिंग कॉलेज के विकल्प को भरना पड़ेगा। और ये अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरे और ओल्ड राजस्थान तो करना ही है, आपको अच्छा चांस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज है वो भरे। और जो
इसकी थर्ड बात है वो है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर समस्या थी कि सर कॉलेज तो मिल गया लेकिन दूर मिला है, उसके कारण उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करवाई। तो वह स्टूडेंट इस सेकेंड काउंसलिंग में ज़रूर ट्राई करे, जिससे यदि उनके अच्छे नंबर है तो उनका इस काउंसलिंग में नंबर आ सकता है। एक बार ट्राई अवश्य कर ले, क्योंकि उनकी फीस तो पहले से ही जमा है और उनके पास जो ट्रांजेक्शन सीरियल जो नंबर है वो उनके पास पहले से ही है, तो इस बार वो ट्रांजेक्शन ज़रूर करें। हालांकि यहाँ पे इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो ट्राई इसमें ज़रूर कर सकते हैं और उनका नंबर भी आ सकता है। और अब आपको इसके बारे में डॉक्यूमेंट जो रिपोर्टिंग समय क्या क्या जमा करवाने हैं वो मैं कुछ ही देर में वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो इस चैनल को आप रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपको इसमें बीएसटी संबंधित पल पल की जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों को ये सूचना ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, जैसे हम इस पर वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको ये हमारी सूचना अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कट ऑफ और बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।